ओनली फॉर आज वार्निंग देने आया हूँ। कल 9 बजे तक, अभी कितने बजे आपकी गली में देखो, 9:30 कल 9:30 तक उधर आप नहीं चाहिए, मेरी बात सुनो, उधर गाँव में नहीं चाहिए, ठीक है। कल सुबह जो जैसी आपकी ट्रेन आए अब चले जाओ, उधर से गाँव छोड़ के, कोई यूपी के बिहार के कोई लोग मेरे गांव में नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी 14 साल की नहीं थी, 14 मास की थी, इसलिए बोलता हूँ, ठीक है। आज बोल के जाता हूँ, कल सुबह में चले जाओ, कल रात को मैं 9 बजे वापस आऊंगा उधर। अब मेरा नहीं चलेगा, कल मैं आऊंगा ना, मेरा नहीं चलेगा, पूरे गांधीनगर जिले का, पूरे गुजरात का चलेगा उधर, मेरे ठाकुर समाज उधर आएंगे, तो ये नहीं बोलने का कि हमने नहीं बोला था, आज वार्निंग देने के लिए आया। आखिर भारत क्या है, सीरिया है या भारत है? भारत को भारत क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है? आज का जो सबसे बड़ा सवाल हमारे जो एपिसोड में होने जा रहा है कि ये एक यूथ को, देश को बांटने का काम किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले पिछली घटनाओं को हमने देखा कि गुजरात में किस तरीके से यूपी बिहार के लोगों के साथ किया गया, उनको मार मार के भगाया गया, मजदूरों को भगाया गया, गरीब बच्चों को मारा गया, इतने सारे मतलब अत्याचार किए गए। क्या कोई देश में कोई कानून नहीं है? कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है? फिर ये मौलिक अधिकार, फिर ये संविधान, फिर ये तरह तरह के कानून क्यों हैं हमारे देश में? इतने सारे एक्ट हैं, इतने सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी एक गरीब आदमी जिसको आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे बांट रहे हो, इस चीज़ पर गजब का मतलब देखा जाए कि कंट्री में पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। और ये छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा। एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी ने कुछ नहीं बोला है। आप पीएम मोदी को देख लीजिए, आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, सीएम नीतीश कुमार को देख लीजिए, आदित्यनाथ को देख लीजिए, या फिर आप योगी को देख लीजिए, कोई भी किसी भी पर्सन ने खास तरीके से, सबने बस क्या बोला, यूपी के सीएम ने भी क्या बोला, गुजरात के सीएम ने भी क्या बोला, कि हमने मामला कंट्रोल कर लिया। अरे मामला कैसे कंट्रोल कर लिया? इतने सारे लोग, मतलब आप गरीब लोगों को, इतने सारे हजारों लोग घर चले गए, उनको आप भगा दिए, उनकी रोजगार खत्म हो गई, और आप बात करते हो बेरोजगारी हटाएंगे, बेरोजगारी कैसे हटाओगे आप रोजगार खत्म कर रहे हो, बेरोजगारी हटाने की बात कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे रोजगार ही खत्म हो रहा है, और इससे आपके जो ब्लडी जो पॉलिटिक्स खेल रहे हो ना देश की जनता के साथ, यूथ इससे जवाब चाहता है। और हम अपने चैनल के थ्रू ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो इसका जवाब दे, पॉलिटिकल पार्टी इसके जवाब दे, और पॉलिटिकल पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आज तक एक भी ऐसा काम नहीं किया है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी आप देख लीजिए, सारे के सारे जितने वादे करते हैं चुनाव के समय में, एक भी पूरा नहीं करते हैं। गरीबी और जो बेरोजगारी है, उन सब का एक ही मुद्दा होता है चुनाव के समय, मुख्य मुद्दा होता है कि हटाएंगे हटाएंगे, लेकिन क्या होता है, साले इसी की मां बहन एक कर देते हैं ये लोग। जब जब चुनाव होता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब जब चुनाव के टाइम पर एक मुद्दा उठाते हैं, और कभी उनका मुद्दा होता है मुसलमानों के ऊपर, कभी उनका मुद्दा होता है राम मंदिर के ऊपर, कभी उनका मुद्दा होता है कि इस क्षेत्र में ये हो रहा है, इस क्षेत्र में ये हो रहा है, और उनका 56 इंच वाला जो सीना, जिसे लेकर वो पूरे देश में दहाड़ मार रहे थे कि हमारा 56 इंच का सीना है, हम देश में सरकार हमारी आएगी, हम यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे देश को, हम यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे, पूरा रेशियो चेंज करके रख देंगे, पूरा ग्राफ बदल के रख देंगे। आज जब एक इतनी बड़ी घटना हुई हमारे देश में, गुजरात क्षेत्र में जब इतनी बड़ी घटना हुई, वहाँ से हमारे बिहारी और हमारे यूपी वाले भाइयों को बेरहमी से, जिनकी कोई गलती नहीं थी, एक बात, कोई गलती नहीं थी उनकी, कुछ भी नहीं था, एक जगह पर कोई घटना होती है, और घटना में अगर पता लगता है कि वो घटना करने वाला कहाँ से है, अगर मान लीजिए वो बिहार से है, तो क्या पूरा बिहार इसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं है। जब यही गलत, मुसलमान जब कभी एक मुसलमान भाई हमारा आतंकवादी कोई पकड़ा जाता है और वो मुसलमान होता है, तो हम हमेशा क्यों उससे बोलते हैं कि सारे मुसलमान जितने भी हैं वो सब आतंकवादी हैं? क्यों हमारा आज का, और हमारे देश को सेकुलर देश बोला जाता है, हम सब भाई मिलकर काम कर रहे हैं, हमारे देश में सब जितने भी स्टेट हैं सब स्टेट को एक मान के एक भारत बोला जाता है, फिर क्यों जब भी कोई घटना होती है तो बोला जाता है कि ये यूपी वाला है, ये बिहार वाला है, ये एमपी वाला है, ये राजस्थान वाला है, क्यों नाम ये क्यों नहीं बोलते कि ये भारतीय है? सही बात है, ये मतलब लोगों को बांटने का काम देखिए कितने सफाई के साथ राजनीतिक कर रही पार्टियां हैं, सारी सफाई के साथ लोगों को बांट रही है वोट बैंक के लिए। एक बात बताइए, अपोजिशन में से किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई? माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी की तरफ से क्या कोई एक बयान आया है? एक भी बयान नहीं आया, ना ही राहुल गांधी ने बयान दिया और ना ही किसी पार्टी ने बयान दिया। लालू यादव के पार्टी कहाँ है? तेजस्वी यादव, हमारे नीतीश कुमार जी, सही बात है, किसी भी एक राजनीतिक दल के किसी भी एक नेता को उठा के आप देख सकते हो कोई सामने आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? सिर्फ एक वोट बैंक के लिए, वोट बैंक, वोट निकल जाएंगे गुजरात से अगर गुजरात के अगेंस्ट बोल दिया वोट। देखना यही है कि देश की जनता 2019 में इलेक्शन कैसे देती है ऐसे ऐसे पार्टियों को। अगर देश की जनता ऐसे ऐसे पार्टी को इलेक्शन में वोट में जिताएगी तो साली देश की जनता ही छूट गया है। सिंपल सा चीज है, यही बात है। हमारे देश का जो युवा है जो सो रहा है वो जागरूक नहीं हो रहा है, क्या उनको नहीं दिख रहा है आज के टाइम पर
जहाँ इतनी बेरहमी से उन बेचारे गरीबों की क्या गलती है, कोई बताने के लिए तैयार है? कोई तैयार? जिनको गुजरात से मार मार उनको मार के भगा रहे, पीट पीट कर भगाया जा रहा है, क्या उनके लिए कोई जिम्मेदार है? ऐसे क्या मैसेज देना चाहते हैं? पीएम मोदी देश विदेश घूम रहे हैं, हमारी कंट्री की इतनी पॉलिटिकल पार्टी है, सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कंट्री डेवलप करेंगे, क्या इससे क्या परछाई पड़ रही है? उन्होंने दोस्ती करके कितने फायदे करके लोग क्या सोचेंगे, दूसरे देश के लोग क्या सोचेंगे? कल वो पाकिस्तान में जा रहे हैं, यहाँ देश का जवान बॉर्डर पर गोली खा रहा है और वो वहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं पाकिस्तान में नवाज शरीफ के साथ। देख लीजिए, यही है कंट्री, यही है चल रहा है हमारे देश के लोग। आज बिहार यूपी के साथ हुआ है, कल हरियाणा के साथ होगा, पंजाब के साथ होगा, सभी एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को काट के सब मर जाएंगे। शुरुआत से एक दूसरे को काटा जाता है सिर्फ तमाम वोटों के चक्कर में। हमारे जो नेता होते हैं दंगे करवा देते हैं, दंगे करवाने के बाद उनका फिर उसमें अपना, जैसे अभी कुछ दिन पहले कासगंज में दंगा हुआ, हिंदू मुस्लिम भाइयों आपस में लड़वाया गया, वोट बैंक बचाने के लिए कुछ भी करवाते हैं ये लोग, और हमारे देश का युवा सो रहा है। कब तक हम सोते रहेंगे, कब तक हमारी आवाज उठेगी? और आज मैं यहाँ बैठकर इन सब तमाम नेताओं से खुली बोलता हूँ कि वो लोग या तो आके सामने से कुछ बोले, अदरवाइज पीठ दिखा के देश छोड़ के भाग जाएं वो यहाँ से। सिंपल सा चीज है, उनको छोड़ना पड़ेगा देश, अगर वो ये देश को संभाल नहीं सकते, अगर वो इस देश को संभाल नहीं सकते उनको छोड़ना पड़ेगा, बेशक उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं चाहिए ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, हमें नहीं चाहिए ऐसा कोई भी नेता, क्योंकि देश की गंदगी गंगा नदी में नहीं है, देश की गंदगी कचरे फैले हुए देश में नहीं है, देश की गंदगी ये ऐसे नेता हैं जो झूठ बोलते हैं, जो फरेब करते हैं और जो गरीब लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को हटाना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे जितने भी नेता आने वाले हैं वो भी ऐसे ही करेंगे, और कुछ दिनों में मतलब कुछ आने वाले सालों में ये भारत का नाम ही गायब हो जाएगा। अरे इनकी सोच ये, तमाम जितने भी राजनीतिक पार्टी वाले हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे भाई, इनकी सोच ही ये है कि देश के लोगों को आपस में बांट के अपने वोट बैंक का फायदा उठा लो, हम सत्ता पर राज करेंगे, हमारी पार्टी आएगी, हमें वोट मिलेंगे, हम उन पर राज करेंगे, और हमारे आने वाले टाइम में वो राज चलता रहेगा और लोगों को गुमराह करते रहेंगे। और उन्हें सत्ता सिर्फ रिलीजन कास्ट इस बेसिस पे चाहिए, कोई भी भारत के लिए नहीं लड़ रहा है, कोई भारत के लोगों के लिए सीखना पड़ेगा। अगर आप देखें ना, भारत के यूथ जो आज हम जो यूथ जो आज की इतनी डेवलप हो चुकी है, उनको एक होना पड़ेगा, क्योंकि भारत के जो नेता हैं उनको एक नर्व्स मिल गया है कंट्री का, धर्म के ऊपर बांट दो लोगों को, क्षेत्र के ऊपर बांट दो लोगों को, अरे बांट दो, बांट बांट के तुम राजनीति कर रहे हो यार, तुम इतना तो सोचो, मानव अधिकार सोचो, देश की तुम बात करते हो, राष्ट्रीय सुरक्षा की, राष्ट्र हम एकता की बात करते हो, अब देश की अभी बांट रहे हो, देश को लोगों को तुम ऐसे ऐसे चीजों से घेर रहे हो, तो लोगों को क्या मैसेज मिलेगा? डिवाइड एंड रूल चलता था, वो इंडिपेंडेंस के बाद क्या गया? अभी भी डिवाइड एंड रूल हो रहा है, कुछ नहीं बदला है। 1947 के बाद भी देश गरीब था, आज भी गरीब है, आज ही बेरोजगार है, और आज भी लोग धर्म के नाम पर रोते हैं। गुजरात में मैं मानता हूँ बहुत शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया, उस घटना के लिए हम कानून, हमें क्यों दिया गया, हम कानून का सहारा ले सकते थे, क्यों वहां से लोगों को खदेड़ा गया, क्यों इतनी बेरहमी से मार मार के भगाया गया उन गरीब लोगों को जिनकी कोई गलती नहीं थी? अगर एक बिहार से होने वाला इंसान वहां जाके किसी घटना को अंजाम देता है तो क्या सारे बिहारी या सारे हमारे यूपी वाले, सारे एमपी वाले उन पर सवाल उठाया गया कि सब ऐसे हैं? क्या हमारी सोच गंदी है? पूरा बिहार, पूरा यूपी, पूरा भारत भी कहेगा उसे फांसी पे चढ़ाओ, पर उन्हें भगाने का क्या मतलब है? हर कोई वैसा है? ये अधिकार किसी को नहीं है, किसी को भी ये अधिकार नहीं है, सही कहा आपने, कोई भी कानून ऐसा अधिकार नहीं देता। हमें संविधान दिया गया है, हमारे यहाँ विधि आई गई, हमारे कानून दिए गए, कानून में साफ है कि अगर तुम्हारे साथ कोई किसी भी प्रकार का कोई गलती होती है, तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है, तो तुम उसका कानून का सहारा लो। संविधान में तुमको बोला गया सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। हमारा भारत जो सेक्युलर कंट्री, हमारा प्रीएम्बल ये बोलता है कि वी ऑल आर नॉट अदर इक्वल अदर अपॉर्चुनिटी इंडिविजुअल्स, वी आर जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिंदुस्तान। हम भारतीय हैं ना, हम भारतीय हैं, यूपी वाले, एमपी वाले, बिहार वाले, गुजरात वाले, उड़ीसा वाले नहीं, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हमारे देश के युवाओं में ये लोग, ये लोग क्या, हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता, और ये तमाम पार्टी इस देश का तब तक कुछ नहीं हो सकता, इस देश का तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी को नहीं चेंज किया जाएगा। ऐसे खोखले राजनेता जो हैं, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे खोखली सोच कहाँ से पैदा हो रही है? ऐसे ऐसे नेताओं से पैदा हो रही है। लोगों को ये चीज बदलना पड़ेगा। इस्तेमाल कर रहे हैं अधिकार, उनको दिया किसने? ये नेता ऐसा ना, फिर हमारे संविधान में लिखा है ना, कहीं लिखा है, इनको भगाने का उनके पास, खुद के पास उनकी इंडियन सिटीजनशिप है तो वो कहीं भी रह सकते हैं, भगा कैसे सकते हैं? और वो भी उनकी कोई गलती भी नहीं है। किसी भी राज्य का कोई भी इंसान दूसरे राज्य में जाके काम कर सकता है, वहाँ जाकर जमीन खरीद सकता है, रह सकता है। भारत का संविधान साफ साफ बोलता है कि किसी भी राज्य का इंसान दूसरे राज्य में जाके काम कर सकता है, कमा सकता है, वहाँ अपना गुजारा कर सकता है। तो होते कौन है वो लोग भगाने वाले? क्यों इन नेताओं ने हमारे देश के लोगों की सोच को इतना छोटा करके रख दिया है कि आज वो अपने ही भाइयों को भगा रहे हैं सिर्फ इस बात को बोल के कि वो बिहार से है या वो यूपी से है या वो एमपी से है?
कानून ने मौलिक अधिकार दे दिया, कानून ने आपको हर तरीके का मानव अधिकार दिया, कानून ने तरह तरह के लॉ बनाकर लोगों के प्रोटेक्शन करने की बात करी, लेकिन यहाँ लोगों की प्रोटेक्शन नहीं हो रही है, यहाँ लोगों की सब चीज़ का उल्लंघन हो रहा है। ऐसी कानून को जला देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कानून किसी भी तरीके से कानून को चला, जब हम कानून को मान नहीं रहे तो क्यों हम इस कानून को आगे लेके बढ़ाते रहे। सही बात है, कोई चीजें यहाँ नहीं है, यहाँ पे लोगों को बदलना पड़ेगा, यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको ये समझना पड़ेगा, तभी जाकर देश सुरक्षा हो पाएगा, देश के लोगों को बांटो कम, पहले यार यही चीज है, बांटना बंद करो देश। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से एक सवाल है कि या तो वो आकर देश के सामने, देश की जनता के सामने आकर कुछ बोलें और इस स्थिति को कंट्रोल में करें। सिर्फ बोलने से कि हमने स्थिति कंट्रोल में कर ली है, कंट्रोल नहीं की है। आज भी वहाँ मेरे सिर्फ यही स्थिति नहीं है, हर रोज ऐसे एक इंसिडेंट होता है जो कि कैस्ट क्रीड रिलीजन के नाम पे डिवाइड हो रहे हैं, हर रोज होता है, हर रोज होता है, बैंक के बचाने के लिए इन्होंने हरकतें करी जाती हैं और देश की युवा की सोच को पूरा बदल के रख दिया जाता है और आकर कोई पार्टी वाला आगे सामने से आकर नहीं बोलता। सबसे बड़ी वोट बैंक के चक्कर में, सबसे बड़ी रोल है यहाँ मीडिया की, ये मीडिया वाले जो हैं, जो शख्स जो मीडिया वाले जो आज बैठे हुए हैं, जो भी नाम क्या लिया जाए, NDTV और आज तक जितने भी हैं, सारे TRP चाहने के चक्कर में सबका एक कर देते हैं। मैं देखता हूँ TRP बढ़ाने के लिए अपने अपने नए नए शोज लेके आते हैं, कभी आपकी अदालत आता है, कभी कोई और शो आता है, कभी अभी एक हल्ला बोल चल रहा है, कोई कंक्लूजन आता है, कुछ नहीं आता है, ये कभी सच्चाई को दर्शाते नहीं है। हम बता रहे हैं सबसे बड़ी चीज, इस कैमरे के सामने पूरे के पूरे शख्स, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, ये जो 4-5 नेता को बुला लेते हैं, अब बुला के डिबेट करवाते हैं, बक बक करवाते हैं, ये इस पे आरोप करता है, इस पे आरोप करता है, ये इस पे गए होते हैं, उनकी एक एक पकड़ के पुलिस वाले भी वहाँ का मार रहे हैं चार चौराहे पे, कहीं भी आदमी को दिल में डर है ना भाई, अपना यहाँ से भागना तो भागना, पुलिस वाले तो और खुद मार रहे हैं पकड़ के, वो देख रहे हैं बिहारी को तो पहले ही पहचान ले रहे हैं, उससे बोला आधार कार्ड दिखाओ, दिखाता तो रहता है बिहारी की लिखा रहता है, डंडा चार्ज कर देते हैं। नहीं ऐसे 100-200 आदमी आते थे, बोलते थे क्या मकान खाली के चले जाओगे अपना बिहार, भैया जी को मार को बुला रहे हैं, इसीलिए हम लोग भाग रहे हैं। हम लोग परदेसी आदमी, हम लोग वहाँ क्या कर सकते हैं, जो काम करता है उसमें कंपनी में भी लोग मारता है, मारपीट से अच्छा है अपना देश को चला जाएगा। तो ये चाहते हैं साहब कि हमारी सुरक्षा रखे, हम अपना धंधा पानी करूं, बच्चों को अपना खिलाऊं पिलाऊं, जो रूखा सूखा है तो खाए पी के सो जाऊं। परिवार वाले तो बहुत सहमे, वो तो बोलते गाँव चलो, लेकिन हम लोग आशा बंधाते हैं चलो सुलझ जाएगा, एक दो दिन में शांति हो जाएगी तो रुकेंगे, जब नहीं होगा तो फिर अपन तुमको सेफ कराएंगे। दर्द तो सर बहुत लग रहा है, इतना लग रहा है कि रात को नींद नहीं आती, खाना नहीं खाते, बच्चे हमारे रोते हैं रात रात पर, मम्मी क्या होगा, कैसे रहेंगे, गांव जाने की सोचते हैं तो गाड़ी से निकाल के मार रहे हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तानी समझ के सबको रखो, या तो फिर ऐसा कर दो कि ये पाकिस्तान है ये हिंदुस्तान है। चैनल को पैसे मिलते हैं और देश को लूट रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा के ये चैनल वाले क्या दिखाना चाहते हैं देश को, देश को क्या दिखाना चाहते हैं? अगर अरे उनके पास इतनी ही औकात है तो वो अच्छे तरीके से डिबेट कराए ना, ये क्या लड़ाई झगड़ा करवाते हो, एक दूसरे को आरोप लगाते हो। सामने बोल रहा हूँ श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से बोलता हूँ कि वो ये जो घटना हुई है उसके बारे में या तो आगे सामने से कुछ बोलें, अदरवाइज वो और उनकी पॉलिटिकल पार्टी इस देश को छोड़कर चले जाएं और इस देश में कभी मुड़कर लौट के आने की ना सोचें। सिर्फ वही नहीं, हर बिहार के लोग पार्टी को कहा जाता है, बोलने का फर्ज बनता है हमारे आदित्यनाथ योगी का, क्योंकि वो यूपी वाले और नीतीश कुमार जी का, बिहार के CM नीतीश कुमार जी, उन्होंने एक बयान नहीं आया उनके पास से, फिर उसके बाद उनका बड़ा बनता है नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने भी नहीं, नहीं मतलब शांति व्यवस्था बना के क्या दिखाना चाहते हो यार, आपने सब कुछ क्रिएट कर दिया, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, आपने लोगों के ऊपर लांछन लगा दिया पूरी तरीके से, बिहार को आपने यूपी को पूरी तरह से एक तरीके से धब्बा लगा दिया, और आप बात करते हो कैसे वो रो रहे हैं, कांग्रेस के नेता रो रहे हैं कैमरे पे, रो रहे हैं, वो पहले बोल दिए भड़का दिए बाद में रो रहे हैं, हमारे यहाँ सिर्फ काम करेंगे, इनको सिर्फ काम करना आता है और हम एक क्लास को मैटर करते हैं, हमसे ये काम नहीं हो सकता, और ये आके हमारे यहाँ काम करते हैं और हमारे लूटपाट करके चले जाते हैं। सोच किसने भरी है पॉलिटिकल, वही गंदे पॉलिटिशियंस ने ही, हमें यही सोच बदलनी होगी, हम युवाओं को आगे आना होगा, एकजुट होना होगा, युवाओं को आगे आना होगा, देश में युवा की सरकार होनी चाहिए, तभी जाकर कुछ हो पाएगा, तभी बदलाव होगा। महंगा करा तब कांग्रेस बोल पड़ी, लेकिन अभी इतना बड़ा कांड हो गया, कांग्रेस की तरफ से भी कोई ठोस कुछ नहीं बोला। अरे कांग्रेस का ही नेता इसमें इन्वॉल्व है, कांग्रेस का भी नेता इन्वॉल्व है, बीजेपी वाले भी, सारे इन्वॉल्व है इसमें, कांग्रेस की नेता ने इसको भड़कवा दिया, बीजेपी वालों ने इसको सपोर्ट कर दिया, और सब मिला जुला के अदर पार्टियों ने इसको बढ़ावा दे दिया। होने के बाद हमारे अरविंद केजरीवाल जी राजघाट पर जाते हैं, अनशन करने बैठ जाते हैं, करने दिल्ली में लोगों को इकट्ठा करते हैं और अनशन पर बैठ जाते हैं। जब एक इतना बड़ा मुद्दा हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी क्या सो रहे थे, उनकी तरफ से कोई एक बयान आया? केजरीवाल नहीं, हर एक
भाईचारा नाम पर। मैं पर्टिकुलर एक एक नेता की बात करता हूँ आज यहाँ, कि किसी भी में से इतनी भी पॉलिटिकल इतनी भी राजनीतिक दल में से कोई एक नेता भी सामने आया है कैंपेनिंग के टाइम, हर कोई निकल पड़ता है, सब निकलेंगे भाईचारा के नाम पर, बस पेपर पे लिखा हुआ है, पर कभी करने के नाम पर कोई आगे नहीं लिखता है। जब जब हमारे देश को जरूरत होती है कि आज हमारा एक नेता खड़ा हो, हमारे देश के किसी भी एक क्षेत्र को ये समस्या है, उस हमारे नेता को बोलना चाहिए, तब कोई नेता नहीं बोलता है। वोट बैंक के टाइम पर आ जाएंगे, श्रीमान जी हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे आदित्य जी बोले मैं यूपी वाला हूँ हमें वोट दीजिए, मैं यहाँ से हूँ, नरेंद्र मोदी जी पहुँच जाते हैं, काशी में पहुँच जाते हैं, काशी में पहुँच जाकर प्रचार करते हैं, बोलते हैं मैं इंसानों को, इंसानों को वोट देते हैं, वो बन जाते हैं चोर। चुनाव के टाइम पे जब वोटों की बात आती है, हमारे प्रधानमंत्री जी काशी में पहुंचे, वहाँ जाके बोला मैं भारतीय हूँ, उन्होंने नहीं बोला कि मैं गुजराती हूँ, मैं भारतीय हूँ। देखिए आज क्या करवा रहे हैं, आज उनके राज्य में उनके देश में क्या चीज चल रही है। तब उनका एक बयान नहीं आया कि मैं भारतीय हूँ, तब उन्होंने साबित नहीं किया कि मैं भारतीय हूँ। सिर्फ वोट बैंक के टाइम पर हमारे राहुल जी ये पहुंच गए, माला लगाकर पहुंच गए कि मैं पंडित हूँ, मैं जनरल कास्ट को बिलोंग करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, बट आज उनका कोई बयान नहीं आया कि हाँ मैं भारतीय हूँ। सही बात है, भाईचारा नाम का कोई भी देश में कुछ नहीं है, बस कागज पे लिखा हुआ है। हम ब्रदरहुड में बिलीव करते हैं, हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, सेकुलर हैं हम। अरे कहाँ घाट की सेकुलर हो, कुछ नहीं हो ब्रदरहुड। जब तुम बात ही करते हो ब्रदरहुड की, भारतीयता की बात करते हो, सभी भारतीय फिर राज्य के नाम पर कैसे विभाजित कर दीजिए किसी, सब लोगों को भाई एक लोग कैसे, ये वाले बंदे हैं। सबसे पहले मीडिया वालों को ये न्यूज छापने से पहले एक बात का ध्यान देना चाहिए था कि गुजराती बिहारी क्यों लिखते हो भाई, पहले लिखो भारतीय ने दूसरे भारतीय समुदाय को मार डाला, ये एक मुद्दा बनता था, तो उन्हें पहले ही लिख दिया गुजरातियों ने बिहारियों को मार दिया। तुम बढ़ावा तो ऐसे ही दे रहे हो इस चीज को। जब हम संविधान को मान ही नहीं सकते, संविधान को मानते ही नहीं है, तो क्यों ये नेता बोलते हैं कि हमारा देश डेमोक्रेटिक है, क्यों बोला जाता है, प्रीएम्बल क्यों रखा है, क्यों रखा है प्रीएम्बल की एक-एक लाइन, एक-एक इसमें एक एक नेता की, हमारा देश एक अखंड देश है, पूरे इंडिया के लोग जितने भी राज्य हैं सब राज्य मिलकर एक भारत बनाते हैं, फिर क्यों कल को कोई गड्ढा होती है तो एक राज्य को दोषी ठहराया जाता है। पूरे इंडिया के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, यूथ को बेशक। देखिए यूथ बेरोजगारी से हर चीज से जूझ रहा है, और ऐसे ऐसे मुद्दे आ जाते हैं देश में, धर्म और राजनीति को लेकर, ये सब क्षेत्रवाद को लेकर, कहाँ से रोजगार मिलेगा, उनके पास समय नहीं है, कहाँ से रोजगार मिलेगा, सोचने के बारे में उनके पास समय नहीं है, कहाँ गया उनका समय। मैं इस चैनल के थ्रू सीधा सीधा अंजना ओम कश्यप और रवीश कुमार जी से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग देश की जनता का ये जो मेन जो मुद्दा है, इसको डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री जी से पूछें कि आखिर वो इस बात पे क्यों उनके देश में ये कांड हो रहे हैं। अगर उनको ही इतना अच्छा करना है, वो देश के लिए इतना अच्छा सोचते हैं, अगर हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया सब युवाओं ने, सब लोगों ने मिलकर, फिर वो देश को क्यों बांट रहे हैं, देश को आखिर बांटने के पीछे किसका रीजन है। मुझे नहीं चाहिए किसी का देखना है कि कौन ने किसने क्या किया, हम ये बोलते हैं कि बस आप भी भारतीय हो, हम भी भारतीय, आप देश के गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। आप एक दूसरे पर आरोप लगाना बंद करो, देश की तरक्की पे ध्यान दो, देश की तरक्की नहीं होगी तब तक आप लोगों का रहना कोई भी जायज नहीं है। और जब जब देश को जरूरत होती है आप देश के साथ आओ, ना कि तुम पीठ पीछे छुपकर, यार वोटों के टाइम पर तुम सामने आ जाते हो, तुम बोलते हो हमें वोट दो, हमें वोट दो, जब देश को तुम्हारी जरूरत है तो उनमें से कोई भी आके खड़ा नहीं होता है। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कृपया करके सामने आए और देश को बचाएं और देश की अखंडता को बचाएं। जागो इंडिया जागो, जाकर कम से कम कोशिश करो कि इस चीज को, ये छोटी मोटी मुद्दा नहीं है, बिहार और यूपी के बारे में बस मत सोचना, अलग राज्यों के बारे में भी सोचना, क्योंकि हर राज्य एक दूसरे के साथ जब लड़ जाएगा ना, तो उसी दिन देश विभाजित हो जाएगा, और जिस दिन देश विभाजित हो गया फिर ये भारतीयता खत्म हो जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा, पूरे दुनिया के नक्शे पे से भारत का नाम खत्म हो जाएगा। तो जो भी शख्स अपने भारत से प्यार करता है, हर बंदा कोशिश करे कि ऐसे ऐसे राजनेताओं को कभी वोट ना दे जो इस टाइप की पॉलिटिक्स करते हैं, ब्लडी पॉलिटिक्स करते मैं हैं। मैं तमाम युवाओं से एक अपील करना चाहूंगा, कृपया करके सोचना चालू करें, युवाओं की शक्ति को, एक जो शक्ति हमें मिली जाती है उस शक्ति को आप जानने की कोशिश करें, और देश में जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं से लड़ने के लिए आगे आने की कोशिश करें। मैं उनसे एक अपील करना चाहूंगा, मैं हृदय से अपील करना चाहूंगा कि वो आके हमारे देश को बचाएं और उसकी अखंडता को बचाएं। और पूरी इस डिबेट की तरफ से, पूरी मेरे चैनल की तरफ से श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, ये उनके पार्टी के लिए और अदर जो पार्टियां हैं देश में। इस बार ये बस एक चेतावनी है, अगली बार ये हमारी अपील नहीं रहेगी, बल्कि हम लोग एक्शन लेंगे और यूथ एक्शन लेगी, और जब यूथ एक्शन लेगी फिर सरकार को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि सरकार फिर क्या करेगी। अगले साल 2019 में ये वोट मांगने लायक नहीं रहेगी। जितने भी हमारे देश के लोग हैं उनके लिए हमारा एक मशवरा, जैसा कि आपने देखा कि हमारे आज के देश के यूथ जो हैं कंट्री के बारे में कितना सोचते हैं, और उनको बेशक अपने इस देश के अंदर जो अखंडता, अब संप्रभुता, ये सब चीज़ जो
फैल गई हैं, जो ख़त्म हो रही हैं देश में राजनीतिक पार्टियों के वजह से, कितना नुकसान हो रहा है उनके लोग, कितना देश को नुकसान करने के कगार पर पहुँचा दिए हैं। एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है, भारत को अब भारतीय नहीं बोला जा रहा है बल्कि राज्यों के आधार पर उन्हें विभाजित कर दिया गया है। ये क्या है, इससे कितनी तरक्की होगी देश की, ये सोचने वाली बात है, सोचिएगा ज़रूर। हमने चेतावनी भी दी है, मशवरा भी दिया है, गवर्नमेंट को भी दिया है, लोगों को समझाया भी है और साथ साथ सभी मीडिया वालों को भी समझाया है। जय हिंद, जय भारत।